Assalamu alaikum viewers, welcome to Info by Nadeem and Sons. Today our topic is about the maturity of the Digeon and experimental results, and at the last we will show you the pictures of our Digeon and the video in which he is attracting the females towards itself. Before starting the video, I am gonna tell you guys that due to a lot of international viewers, I will talk in both Urdu and Hindi and in English, so that all the our audience will interact and can understand what I am talking about. So video ko start karne se pehle main jo aap bhaiyon ko bata dun ki main English mein bhi baat karunga aur Urdu mein bhi baat karunga, taaki hum dono kism ki audience, jo international audience hai aur jo local audience hai, un sabko interact kar sake. To few days back I posted a video of Digeon hybrid, which was the pigeon and dove hybrid. Now these hybrids are now mature, so we will discuss the results and I will also show you these hybrids in the last. So जो कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी डीजन के बारे में, जो कि हाइब्रिड था पीजन और डव का, वो आज मैच्योर काफ़ी हो चुके हैं और उनका रिजल्ट्स भी हमारे पास आ चुके हैं. तो मैं आपको के साथ उनके रिजल्ट्स भी डिस्कस करूंगा एंड आपको एंड में उनकी तस्वीरें और वीडियो भी दिखाऊंगा. तो रिजल्ट नंबर वन वाज डैट वी प्रोड्यूस ऑलमोस्ट 10-12 बेबी. Most of them died and almost only 4 of them survived at maturity. It means their immune system was quite weak and they can't bear the nature. So जो हमारा ये जो पैदा हुए थे, हमने तकरीबन 10 से 12 बच्चे पैदा किए थे. इनमें से सिर्फ 4 जो थे वो मैच्योरिटी तक ज़िंदा रहे, बाकी तकरीबन मर गए. जो ये साबित करता है कि इनके अंदर इम्यून सिस्टम यानी कोते मुदाफियत नहीं है. रिज़ल्ट नंबर टू, ऑल ऑफ दीज हाइब्रिड्स वर मेल अपेरेंटली. रिज़ल्ट नंबर टू ये था कि जी वो जो जितने भी 4 हमारे पास बचे थे, उनका रिज़ल्ट ये आया कि वो बज़ाहिर तो मेल ही लगते थे एंड बोलते भी वो मेलों की तरह थे, फीमेल्स को अट्रैक्ट करते थे. रिज़ल्ट नंबर थ्री वाज डैट दे आर अनएबल टू ब्रीड, मींस दे हैव सेक्स डिज़ायर बट द क्रॉस और द मेटिंग इज नॉट फ्रूटफुल. रिज़ल्ट नंबर थ्री ये था जी कि ये जो ब्रीड थी ये अपना पैदावार आगे बढ़ाने में कासिर थी, यानी इनफर्टाइल थी. तो इनका कोई क्रॉस का कोई रिज़ल्ट ऐसा सच खास नहीं आया. रिज़ल्ट नंबर फोर ये वाज डैट देयर ब्यूटी इज़ अनबिलीवेबल एंड कलर इज़ क्वाइट यूनिक, सो द मार्केट वैल्यू इज़ क्वाइट हाई इन द लोकल मार्केट. रिज़ल्ट नंबर फोर ये आया हमारे पास कि जी ये जो हाइब्रिड हमने बनाया था, ये इसकी बॉडी जो थी वो डव की तरह थी, लेकिन कलर जो था वो एक यूनिक कलर था, कबूतर का कलर उसमें आया हुआ था, जिसकी वजह से वो एक यूनिक चीज़ बनी थी और उसकी मार्केट वैल्यू काफ़ी हाई गई, यानी लोगों में उसकी इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा था. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड प्लीज़ शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल.